राज्यसभा में शस्त्र उठाने के अपराध में मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ अर्जुन, मृत्युदंड देता हूँ अर्जुन, मृत्युदंड देता हूँ अर्जुन। नहीं दे सकते मृत्युदंड आप महाराज। आपकी पुत्रवधु, आपकी कुलवधु, आपके वंश की लक्ष्मी का अपमान करने वाले को आप मृत्युदंड नहीं दे रहे महाराज। इसलिए अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करने वाले को आप मृत्युदंड नहीं दे सकते महाराज। आप केवल उसे युद्ध का आह्वान दे सकते हैं, युद्ध का आह्वान दे सकते हैं, युद्ध का आह्वान दे सकते हैं। पांचाली का अपमान करने वाले का मस्तक काट देने का प्रण है मेरा। अर्जुन, क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु अपनी पत्नी का अपमान सुनकर चुप रहने वाला व्यक्ति केवल एक लाश हो सकता है, जीवित नहीं हो सकता। मान रहो, राज्यसभा में शस्त्र उठाने के अपराध में मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं अर्जुन, मृत्युदंड देता हूं अर्जुन, मृत्युदंड देता हूं अर्जुन। नहीं दे सकते मृत्युदंड आप महाराज। आपकी पुत्रवधु, आपकी कुलवधु, आपके वंश की लक्ष्मी का अपमान करने वाले को आप मृत्युदंड नहीं दे रहे महाराज। इसलिए अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करने वाले को आप मृत्युदंड नहीं दे सकते महाराज। आप केवल उसे युद्ध का आह्वान दे सकते हैं, युद्ध का आह्वान दे सकते हैं, युद्ध का आह्वान दे सकते हैं। और मैं इस युद्ध के आह्वान को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं।
द्रौपदी के सम्मान में 5 ब्रह्मास्त्र जैसे 5 पांडव उठेंगे दुर्योधन, भस्म हो जाओगे, भस्म। वधू का अपमान, युवराज के साथ अन्याय, राजसभा में ऐसा युद्ध का वातावरण, हस्तिनापुर की इस पवित्र राजसभा को कब तक मैला करते रहेंगे आपके पुत्र महाराज? मेरे पुत्र, मैं इस राजसभा में अब एक क्षण भी नहीं रुक सकता। महाराज, जब किसी भवन के गिरने का भय दिखाई देता है तब बुद्धिमान लोग उसके मध्य दीवार बनाकर उस भवन की रक्षा करते हैं। मुझे भय है महाराज, कुरु वंश की रक्षा के लिए राष्ट्र का विभाजन करने का समय आ गया है, विभाजन करने का समय आ गया है, विभाजन करने का समय आ गया है, विभाजन करने का समय आ गया है।